बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने खजानों में से अता फरमाए और किसी का मोहताज न करे। फ्रेंड्स, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब तक लालच जिंदा है, जब तक लालची लोग जिंदा हैं, स्कैमर लोग जिसको पंजाबी ज़बान में ठग कहते हैं, वो कभी भी भूखे नहीं मरते। तो सेम सिचुएशन आजकल पाकिस्तान में चल रही है आई जावा आई को लेकर और आइडिया ऐप को लेकर। आइडिया तो ऑलरेडी स्कैम कर चुकी है, अभी जावा आई के बारे में मुख्तलिफ अपडेट्स आ रही हैं। पता नहीं वो किधर से आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जावा आई जो है वो विड्रा देने स्टार्ट कर दिया है, कोई कह रहा है कि बैंक का अकाउंट जो है वो आप लिंक कर लें तो आपको विड्रा मिल जाएगा, कोई कह रहा है कि आप $30 डिपॉजिट करें तो आपको विड्रा मिल जाएगा। यानी कि तरह तरह की अपडेट्स आ रही हैं, लोग अपने से ही छुड़ी जा रहे हैं। लेकिन जो लोग जावा आई को यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जिनके पास जावा आई की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, उन लोगों को पता होगा कि जिधर उन्होंने विड्रा की रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, उधर वो चेक करें तो उनके पास जो है वो किसी भी वॉलेट का एड्रेस एक्सेप्टेबल नहीं है। विड्रा का मेथड जो है वो डिसेबल है, कोई भी विड्रा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा जावा आई। इट्स मीन के वो स्कैम कर चुका है, वो फ्रॉड कर चुका है। कि इस तरह की जो एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट टाइम आपको नहीं लूट रही, ये फर्स्ट टाइम आपके साथ स्कैम नहीं हुआ। आप हिस्ट्री चेक कर लें, हर दूसरे माह के अंदर, हर माह के अंदर कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई वेबसाइट हम लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ स्कैम करके जा चुकी होती है। और फिर वो नाम बदल के, फिर वो भेस बदल के, फिर वो अपना प्लान बदल के वो आ जाती है। हमको लगता है कि यार ये न्यू ऐप है, इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं बहुत सारे ऐसे स्टेटस देखता हूँ, बहुत सारी ऐसी पोस्ट देखता हूँ कि न्यू ऐप लॉन्च हुई है, विड्रा दे रही है, जल्दी करो, इसको लूट लो, ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो। तो वो कौन लोग होते हैं जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, वो रेफ़र करते हैं, फिर वो लालच इस तरह के देते हैं कि आप और लोगों को लेके आएं, आपको कमीशन मिलेगा, फिर वो आगे लोगों को लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी बंदे को ज्वाइन किया, करवाया, तो मुझे उसका कमीशन मिल गया। ठीक है, जब वो बंदा ज्वाइन करेगा, उसको भी लालच होगा कि यार मैं भी किसी को इसी तरह इनवाइट करूं। तो आस्ता आस्ता ये नेटवर्क जो है वो ग्रो करता जाता है। जब इनका जो रेवेन्यू है वो लाखों और करोड़ों में चला जाता है, फिर ये लोग स्कैम कर जाते हैं। आप लोग फिर देखते हैं कि यार हमारे साथ स्कैम हो गया, तो ये लोग फिर अपना नाम चेंज करके आते हैं, फिर ये आपको आपके साथ स्कैम करते हैं। ये इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा। और मैं सलूट पेश करता हूँ इन लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को, जिनमें इतना हौसला है, जिनमें इतना जिगरा है, बिना किसी भी टेंशन के इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने वाले कामों में पाकिस्तानी आ गए हैं, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि स्कैम भी इसीलिए होते हैं। उनको पता है कि ये सारा जो है वो पाकिस्तान में ही होता है, बाकी किसी भी कंट्री में इस तरह के स्कैम जो है वो नहीं होते। होते हैं नो डाउट, लेकिन जितने पाकिस्तान में होते हैं इतने किसी भी कंट्री में नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि इतना जिगरा सिर्फ पाकिस्तानी लोगों में ही है। पाकिस्तान ही लोग इस तरह के काम जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, उनको बस मेहनत ना करनी पड़े, पैसे आते हैं रातों रात, अमीर होने का चक्कर जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तानी लोगों में ही है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ लोगों को, लेकिन मैं अफसोस भी करता हूँ कि जिन लोगों के जो पैसे हैं, वो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाया हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है। तो अल्लाह पाक की ज़ात उनको सब्र अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि जिन लोगों के पैसे डूब चुके हैं, जिन लोगों ने विड्रा लगाया हुआ था, उनको विड्रा मिल जाए, या जिन लोगों ने अभी तक विड्रा नहीं लगाया, वो उनको विड्रा ये ओपन हो जाए, तो इनको ये पैसे मिल जाएँ। तो बाकी यार इन चीज़ों को अवॉइड करें, इस तरह की एप्लीकेशन को अवॉइड करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिन लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, उनको तो पता चल गया होगा कि यार ये सारा स्कैम होता है। शुरू शुरू में जो विड्रा देते हैं नो डाउट, और उसके बाद जब ये बड़े लेवल पर चले जाते हैं तो फिर ये स्कैम कर जाते हैं। और उसके बाद जो लोग इस तरह की एप्लीकेशन के बारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है कि यार इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, कोई स्किल सीखें, लॉन्ग टर्म में अर्निंग करें, कोई अपना काम करें, मेहनत करें, मेहनत वाले काम को तरजीह दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके ऊपर आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट और स्किल्स के रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। और इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं आई कि मैंने आपको बताया हो कि आप इस एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना मिलेगा। हालांकि मैं बता सकता हूँ, मुझे भी पता है, अभी भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं, आप पैसे डबल भी कर सकते हैं। मुझे ये भी ऐसी भी एप्लीकेशन पता है जिसके ऊपर आपने आज 500 रुपये लगाया है तो 24 घंटे के अंदर वो आपको 1000 रुपये होकर मिलेगा। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन भी हैं, लेकिन ना मैं खुद करूँगा ना मैं किसी को बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल उन्होंने भी इसी तरह स्कैम करना है। और मेरे बताए हुए अगर मैंने किसी को रिकमेंड किया और उसके साथ स्कैम हो गया, तो उसका सारा जो है वो ब्लेम है वो मुझ पर जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि उनका 1 रुपये का भी लॉस हो मेरी वजह से। ठीक है, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि यार मेरी वजह से उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो बजाय नुकसान के। तो अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।